सीलिंग फैन रिपेयर के लिए आया है, देख सकते हैं इसके अंदर आवाज़ आती है, देख सकते हैं, देख आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कैसी आवाज़ आती है। इस आवाज़ का सॉल्यूशन आवाज़ करने वाले हैं दोस्त, वीडियो में बने रहे दोस्तों, कैसे क्या करना है पहले हम सीरीज में घुमा के देख लेते हैं कैसे क्या हमारे घर क्या होता है दोस्तों। ऐसे आवाज़ आता रहता है और हम चलाते रहते हैं, इसकी वजह से पंखा ख़राब हो जाता है। तो आज का सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों, घर बैठे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे रिपेयर करना है सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। चलो फटाफट से पंखे को खोल लेते हैं, बाहर को हमने अलग कर दिया है दोस्तों। क्या करना है हमें यहाँ से भी उसका कनेक्शन जो कनेक्टर रहता है घर, उसको भी अलग कर देना है। देख सकते हमने अलग कर दिया, रख दिया। अगर आपके पास हथौड़ी है हथौड़ी के ज़रिए भी कूट सकते हैं। हथौड़ी नहीं है लोखंड की है, तो इस तरह से इसे कूटना है, ज़्यादा जोर से नहीं कूटना है, इतना प्ले होल ज़्यादा है। इतना प्ले होल जाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से उसको अंदर घुसाना है। देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से अंदर रख दिया है, फिर हमें ऊपर नीचे उसको करना है, फिर उसके बाद ज़्यादा प्ले हो जाए उसके बाद दो पेज के अच्छे ले लेना। दोस्तों हमने पंखे को खोल दिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, देख सकते हैं बेलिंग कैसी आवाज करती है। प्रॉपर पूरा बेलिंग का आवाज है दोस्तों, बेलिंग को खोल के देखेंगे क्या हुआ है। देख सकते हैं इसके अंदर हमने ग्रीस लगा दी है बैरिंग के अंदर, बैरिंग सर्विस की है, चेंज नहीं की है। देख सकते हैं दोनों बैरिंग हमने रिपेयर कर दी है, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों समझ में आ जाएगा, आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले आवाज़ बताया था कैसा था, फिट करने के बाद कैसे आवाज़ होता है बता देंगे। देख सकते हैं दोस्तों ना, देख सकते हैं दोस्तों पंखा कंप्लीट हो रहा है, ना